हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है अपने लावा ब्लेज प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को आप जो है शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है शेड्यूल करने के बाद किस तरीके से काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको बैटरी का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैटरी पर आपको जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगले पेज में बैटरी के इस पेज में आपको नीचे ये बैटरी सेवर का ऑप्शन नज़र आता है, बैटरी सेवर पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में बैटरी सेवर का ये पेज आएगा तो यहाँ पर आपको सेट ए शेड्यूल का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, सेट ए शेड्यूल इस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका सेट ए शेड्यूल का ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे की साइड ये पॉइंटर शो हो जाएगा ये परसेंटेज में। तो यहाँ पर इस पॉइंटर को अगर आप इसे लेफ्ट और राइट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो कोई सा भी परसेंटेज पे आप रख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है 45% पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जो है बैक पेज पे आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल के नीचे जो है विल टर्न ऑन एट 45% लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमारी बैटरी सेवर सेटिंग जो हमारी शेड्यूल हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये काम कैसे करेगी शेड्यूल होने के बाद, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो 97% है। ठीक है, अब जब मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब 45% पर आ जाएगी तो मेरे मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी सेवर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, बैटरी सेवर जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा, बैटरी सेवर ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। जो बैकग्राउंड जो होता है हमारे मोबाइल फ़ोन का वो ब्लैक हो जाएगा वाइट से। ठीक है, तो अब ये जो है और भी काम कैसे करती है कि मान लीजिए कि जब आपका बैटरी सेवर ऑन हो जाता है और आपने जो है अपने जो है चार्जर को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, और आप फिर भी जो है बैटरी सेवर ऑन होने के बाद आप फिर भी जो है अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि आपकी जो बैटरी है वो कम से कम कंज्यूम होगी। ठीक है, कम से कम ख़त्म होगी। ठीक है, बैटरी सेवर ऑन होने से। तो ये जो है मैंने आपको डायरेक्ट इस बटन को आपको दबाकर दिखाया है। ठीक है, आपको ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है बैटरी सेवर सेटिंग जो है ऑन हो जाएगी जो भी परसेंटेज पे आप जो है इसे रखेंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है बैटरी सेवर सेटिंग शेड्यूल करने के बाद। ठीक है,